चैप्टर एट क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर एट में होता है। सबसे पहले आएगा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप में क्या क्या है? खरीफ क्रॉप में आता है पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, टील, कॉटन, सनहेम, मूंग और उर्द बीन और सोयाबीन। तो ये होता है खरीफ क्रॉप का। रबी क्रॉप का वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, सुगर केन, टोबैको और बरसी। तो जहाँ तक ये बात है कि सीरियल्स में क्रॉप एंड बोटेनिकल नेम क्या हुआ, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले बार के एफओ में भी जैसे कि आया था कि राइस के बोटेनिकल नेम बताने के लिए, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर पल्सेस की, दलहन के क्या फसलें हैं, फिर क्रॉप के बाद आता है फोरेज क्रॉप, फॉरेज क्रॉप के बाद आता है शुगर क्रॉप, शुगर क्रॉप के बाद मिसलेनियस, रूट एंड ट्यूबर क्रॉप। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खुद से याद करना पड़ता है, इसमें कोई आपको याद नहीं करा सकता। तो ये सब तो खुद एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन राइस आता है सबसे पहले। राइस, राइस का क्रोमोजोम नंबर क्या है? क्रोमोजोम नंबर 24। राइस का क्रोमोजोम नंबर 24 आता है। सीजन के हिसाब से राइस तीन सीजन में डिवाइडेड है। थ्री टाइप ऑफ सीजन फॉर राइस कल्टीवेशन इन इंडिया। इंडिया में तीन टाइप का सीजन में डिवाइडेड है। इंडिया के, यहाँ पे इंडिया का खाली बात हो रहा है। सबसे पहला आता है कि ओस या ऑटम। ऑटम ये कहाँ से डिराइव हुआ? ये संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है अशु। अशु मतलब होता है क्विक और अर्ली। अर्ली पहले, पहले किससे पहले? तो राइस वेराइटी ग्रो ड्यूरिंग प्री मानसून पीरियड इज कॉल्ड ओस राइस एंड हार्वेस्टेड इन अगस्त सेप्टेम्बर, हेंस कॉल्ड एज ऑटम राइस ड्यू टू हार्वेस्टिंग टाइम। तो ये प्री मानसून से पहले सोन होता है और हार्वेस्ट कब हो जाता है? अगस्त और सितंबर में। तो ये होता है ओस राइस। ओस मतलब कि पहले, अर्ली, संस्कृत वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। दूसरा आता है अमन, खरीफ और विंटर, तीनों इसको कहा जाता है। तो खरीफ क्यों कहा जाता है, विंटर क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ये डिराइव तो पहला हुआ है कि अरेबिक वर्ड से, विच मीन्स होता है सेफ्टी। अमन मतलब होता है सेफ्टी, विच इंडिकेट स्टेबिलिटी ऑफ द क्रॉप, मतलब कि क्रॉप काफ़ी ज़्यादा इस समय सेफ रहता है। अमन राइस इज ऑल्सो कोन एज विंटर राइस ड्यू टू हार्वेस्टिंग टाइम इन विंटर। विंटर के समय ये हार्वेस्ट होता है, मतलब ये भी सितंबर अक्टूबर के समय ये हार्वेस्ट हो जाता है और यहाँ पे पहले हो जाता है। अगर जैसे जुलाई अगस्त तक में ये आता है मानसून, तो उसी समय ये हार्वेस्ट हो जाता है। लेकिन अक्टूबर नवंबर तक में जिस समय ठंड रहता है, उस समय ये हार्वेस्ट होता है। और ये बोरो राइस और समर राइस क्या होता है? समर राइस मतलब कि ये समर में हार्वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी है, ऑटम राइस या विंटर राइस या बोरो राइस या समर राइस, ये हार्वेस्टिंग टाइम से होता है। समर राइस हार्वेस्टिंग, अगर ये कोई हार्वेस्टिंग टाइम समर कब रहता है? समर सबसे ज़्यादा रहता है हमारा जून में। तो जून में हार्वेस्ट होने के लिए सबसे पहले कहाँ लगना है उसको चाहिए था? लग रहा है उसको जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई में। तो इस हिसाब से ये होता है, समर राइस समर में हार्वेस्ट होता है जून जुलाई में, विंटर राइस अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट होगा, और ऑटम्स, ऑटम्स कब होगा? प्री मानसून मतलब अर्ली के समय में, स्टार्टिंग में ही जब ये हार्वेस्ट हो जाता है अगस्त सितंबर में। तो ये होता है ऑटम राइस। तो ये राइस होता है, जितना भी बोरो राइस होता है, ये हाई एलिवेशन में नहीं लगता, ऊपर ज़्यादा पहाड़ वाड़ी इलाका में नहीं लगता, ये कम एलिवेशन में और समर्स कंडीशन में डूबा हुआ कंडीशन में रहता है, मतलब ये वेट राइस होता है जनरली, ये ड्राई राइस नहीं होता है। और बोटेनिकली होता है ओराइजा के 24 स्पेसीज है, जिसमें से ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लेबिरेमा ही होता है जो कि कल्टीवेटेड होता है। ओराइजा ग्लेबिरेमा का जो होता है ओनली साउथ अफ्रीका में कल्टीवेटेड होता है, और ओराइजा सेटाइवा होता है उसका 24 स्पेसीज में से ओराइजा सेटाइवा होता है हमारे तरफ में जो कि कल्टीवेटिंग वेराइटी है। तीन वेराइटी कौन कौन है? सबसे पहले इंडिका राइस, इंडिका नाम से ही पता चल रहा है ये इंडियन राइस है, मतलब इट इज ट्रॉपिकल राइस, मतलब ये ट्रॉपिकल है, हम इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। ग्रोन इन इंडिया, ये इंडिया में ग्रोन होता है। इसका ऑन्स लेस होते हैं या तो शॉर्ट ऑन्स होते हैं, ऑन्स लेस होते हैं या तो शॉर्ट ऑन्स होते हैं। लेट इन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी टाइम इनका ज़्यादा होता है, और लॉन्ग स्टेम होते हैं। लॉन्ग स्टेम मतलब ये लॉज का प्रॉब्लम इसमें नजर आते हैं। फिर आता है जैपोनिका राइस। जैपोनिका राइस क्या है? ये टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल राइस है। टेम्परेट मतलब इसे कम टेम्परेचर चाहिए या एवरेज टेम्परेचर चाहिए। ग्रोन इन जापान, ये जापान के तरफ होते हैं। अर्ली मैच्योरिटी, मैच्योरिटी इनका पहले हो जाता है। फोटोसिंथेटिकली वेरी एक्टिव, फोटोसिंथेटिकली वेरी एक्टिव होते हैं। शॉर्ट स्टेम होता है, वेरी रिस्पॉन्सिव टू नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, और लॉजिंग इनमें नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर शॉर्ट स्टेम रहेगा तो इनमें लॉजिंग नहीं होगा, लेकिन अगर ये लॉन्ग स्टेम रहेगा तो लॉजिंग की प्रॉब्लम्स आएंगे। तो ये जैपोनिका राइस जो जापान में होता है, इंडिका राइस जो इंडिया में होता है। फिर आता है जवेनिका राइस।
ये होता है वाइल्ड फॉर्म ऑफ राइस ग्रोन इन इंडोनेशिया। तो एक होता है जो इंडिया में होता है, एक होता है जापान में होता है, एक होता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है? जेवर्निका राइस। ये होता है राइस का इंफ्लोरेंस की बात करें तो नोन एज पेनिकल। राइस के इंफ्लोरेंस को पेनिकल बोलते हैं। हल्क उसको उसको लेमा और पेला को टुगेदर को हम लोग हल्क बोलते हैं। टेस्ट वेट इसका कितना होता है? 25 ग्राम। टेस्ट वेट मतलब वेट ऑफ 1000 ग्रेन्स का। सीड इंडेक्स क्या होता है? 100 सीड्स के। और सीड इंडेक्स हमेशा जो 100 सीड होते हैं वो होते हैं बड़े सीड जिनके होते हैं उनमें सीड इंडेक्स निकलता है। जैसे मेज, मेज का बड़ा बड़ा सीड होता है इस कारण हम लोग उसको सीड इंडेक्स निकालते हैं। और टेस्ट वेट निकालेंगे जिसके छोटे छोटे सीड होते हैं, जैसे कि राइस जिसमें होते हैं 25 ग्राम, जब हम लोग 1000 ग्रेन्स लेते हैं। राइस इज सेल्फ पॉलिनेटेड और शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड और शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। प्यूम्यूल इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल और रेडिकल से बाय क्लोरिडाइजा से, जो कि इम्ब्रियो में होता है। कार्डिनल टेम्परेचर कितना होता है? 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होती है। हलिंग परसेंटेज क्या होता है? 70 से 75 होते हैं। देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हलिंग परसेंटेज क्या होता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा ये 65 होता है, कहीं कहीं 70, कहीं 75। तो ये ऑप्शन के हिसाब से, जैसे भी ऑप्शन दिया हो उसके हिसाब से आपको करेक्ट करना रहता है। कार्डिनल टेम्परेचर से 32 डिग्री सेल्सियस है, बट ये भी कहीं ना कहीं वेरी करता है। तो हलिंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला वेट ऑफ राइस ग्रेन अपॉन वेट ऑफ पैडी ग्रेन इनटू 100, या वेट ऑफ हल्क राइस और वेट ऑफ अनहल्क राइस, या वेट ऑफ विदाउट हल्क और वेट ऑफ हल्क विद, वेट ऑफ राइस विद हल्क। तो ये सब है हलिंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। अभी आया TN1 वॉज डेवलप आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार इन ताइवान। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद TN1 डेवलप हुआ था। TN1 क्या है? ताइजुंग नेटिव 1, जो कि किससे बना है? डीजी वो जीन और तशाई युंग चुंग से, जो कि ड्वार्फ एंड एन रिस्पॉन्सिव था टीजी वो जीन और टॉल और ड्राउट रेजिस्टेंस था ताई युंग चुंग। तो इसी कारण ये ताइजुंग नेटिव 1 में दोनों इसका वेराइटी आया था। डॉक्टर TT Chang ब्राउट TN1। तो TT Chang जो थे TN1 को ब्राउट किए थे, और डीजी वो जीन एंड IGOG फ्रॉम ताइवान टू RIRRI में मनीला में लाए थे। मनीला फिलीपींस, ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये लाए थे। कौन लाए थे? TT Chang ताइजुंग नेटिव 1 को लाए थे। तो IR8 वाज इवॉल्व बाय ब्रीडर हेनरी एम बिचेल्स एट IRRI मनीला में। वन ऑफ द पेरेंट ऑफ IR8 वाज DG Wojin। डीजी वोजिन भी इसके पेरेंट्स है IR8, जो कि इवॉल्व हुआ था ब्रीडर के द्वारा हेनरी एम बेचेल्स के कारण। फर्स्ट टाइम इन इंडिया ताइजुंग नेटिव 1 2 kg इन 1964 और 1965। ये 1964 और 1965 के समय सबसे पहले लाया गया था ताइजुंग नेटिव 1 को, फर्स्ट टाइम इंडिया में लाया गया था। कितने लाया गया था? 2 kg लाया गया था। वाज इंट्रोड्यूस बाय द GV चलम, जो कि GM ऑफ NSC थे, फ्रॉम IRRI के द्वारा लाया गया था। IR8 वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1966 एंड IR8 आउट इल्डेड TN1। तो ताइजुंग नेटिव 1 आउट इल्डेड हुआ था IR8 से। लिटरली मीनिंग ऑफ DG Wojin, डीजी वोजिन का मतलब क्या होता है? तो ब्राउन टिप शॉर्ट लेग्स, मतलब लेग इसके शॉर्ट हो और ब्राउन टिप्स हो, इसका डीजी वोजिन का मीनिंग होते हैं। जया किससे हुआ था? तो TN1 ताइजुंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान से आया था, और T141 इंडियन वेराइटी जो कि था इवॉल्व बाय द डॉक्टर शास्त्री। फर्स्ट राइस वेराइटी इज डेवलप अंडर इंडियन राइस प्रोग्राम। इट आउटडिल्डेड TN1 और IR8 बोथ, हेंस कॉल्ड मिरेकल राइस इन इंडिया। तो जया मिरेकल राइस ऑफ इंडिया को ने जया। और डीजी वो जिनका मतलब क्या होता है? ब्राउन टिप शॉर्ट स्टेम। और IR8 क्या इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 1966 में, सबसे पहले के लिए। फर्स्ट टाइम इंडिया में TN1 कितने kg आए थे? 2 kg आए थे 1964 से 1965 में। और ये था कुछ इसके बारे में। और पद्मा इज द रिवर्स क्रॉप प्रोडक्ट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जया पद्मा। तो रिवर्स क्रॉप था, मतलब कि अगर TN1 और T141 को अगर क्रॉस करेंगे तो जया निकलेगा, लेकिन अगर पद्मा किसे निकलेगा? जब उसको उल्टा रिवर्स करेंगे, पहले अगर T141 और फिर ताइजुंग नेटिव 1 को ला रहे हैं, तब हमारा
ये पद्मा हो रहा है, लेकिन अगर इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो आएगा हमारा जया। तो इस इनको रिवर्स करने से जया और ये नॉर्मल रहेगा तो पद्मा। जगन्नाथ जिसको म्यूटेंट वेराइटी ऑफ T141, इसका T141 का म्यूटेंट वेराइटी कौन है? जगन्नाथ। तो म्यूटेंट वेराइटी जगन्नाथ हुआ। CR1014 ये किससे बना था? T90 से और उरांग उरांगन से, जो कि इंडियन था, और जेवेनिका जेवेनिका वेराइटी और इंडियन वेराइटी को जब किए तो ये वेराइटी हुआ था। रिलीज इन 1988, पॉपुलर इन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इट इज सुपर फाइन ग्रेन वेराइटी कैपेबल ऑफ यील्डिंग 3 से 4 टन हेक्टेयर पर हेक्टेयर अंडर समर्स कंडीशन इन सेमी डीप वाटर रीजन। और किलर डिजीज ऑफ राइस आर बैक्टीरियल लीव ब्लाइट एंड टुंग्रो वायरस। तो टुंग्रो वायरस और बैक्टीरियल लीव ब्लाइट जो कि किलर डिजीज ऑफ राइस है। फिर पूषा बासमती 1 वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्ड यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी अंडर क्वालिटी राइस हैज बीन डेवलप्ड बाय AIARI थ्रू कन्वर्जेंट ब्रीडिंग। तो वर्ल्ड फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी कौन है? पूषा बासमती 1। डीप वाटर राइस वैरायटी कौन है? डीप वाटर राइस वैरायटी आता है चकिया आता है 59 में आता है, मधुकर आता है, जलमग्न आता है, जयसूर्या आता है, जलाधि आता है 1, जलाधि 2, बंधन 2, जलप्रिया। एरोमेटिक में आता है, एरोमेटिक राइस में आता है साबरमती बासमती 370, करनाल लोकल, देहरादून बासमती T9, पूषा बासमती 1, कस्तूरी, तारतोरी बासमती, बासमती 385, हरियाणा बासमती 1। और नन बासमती सुपर फाइन राइस फिर हुआ, फिर IR64, PR106, गौरव पंजाब नंबर 1। मैक्सिमम राइस एक्सपोर्टर कौन है? एक्सपोर्टर मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन है? थाईलैंड होता है, जो कि 4 मिलियन टन किया था 1990 से 1991 में। फिर US आता है 2.4 मिलियन टन जिसका है। इंडिया एट द फिफ्थ पोजीशन, इंडिया कितने फिफ्थ पोजीशन में होता है? हाफ ऑफ द वर्ल्ड मार्केट इज नाउ कैप्चर्ड बाय थाईलैंड विच इज मैनेजिंग राइस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो थाईलैंड सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर, और जब हाफ ऑफ द वर्ल्ड को अगर कोई कैप्चर किया हुआ है तो वो है थाईलैंड। और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ पे आता है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जापान में आता है। जैपोनिका जो अगर जैसे कि हम लोग पढ़े थे जैपोनिका वैरायटी टाइप में, तो उसी वैरायटी टाइप में सबसे ज़्यादा आता है जापान आता है। एवरेज प्रोडक्टिविटी इन इंडिया 18.5 क्विंटल पर हेक्टेयर, जो कि जापान का हाइएस्ट से हम लोग आधा से भी कम है। राइस यील्ड आर जनरली लोअर इन डायरेक्ट सीडेड अपलैंड ड्यू टू हाई टिलर मोर्टिलिटी आफ्टर मैक्सिमम टिलरी फेजेस। मतलब राइस यील्ड का कम हो जाता है जहाँ पे डायरेक्ट सीडेड अपलैंड्स करते हैं, मतलब कि जितने भी लैंड्स वहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट सीडेड करेंगे तो वहाँ पे टीलर के जितनी मोर्टिलिटी होती काफ़ी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा टीलर जो होते हैं मर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे राइस यील्ड कम होती है अगर हम लोग डायरेक्ट सीडेड करेंगे तो। द टीलर मोर्टिलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू लैग फेजेस एन अपटेक एंड लो लेवल ऑफ लीफ नाइट्रोजन, अगर 2% से कम होता है। टाइमली टॉप ड्रेसिंग टू मेंटेन लीफ एन लेवल अबव 2% इन द पोस्ट मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज हैज बीन फाउंड टू मिनिमाइज द परसेंटेज मोर्टिलिटी एंड इंक्रीज देयर बाय यील्ड लेवल। नाइट्रोजन का कमी के कारण सबसे ज़्यादा डेथ होती है, अगर 2% से कम रहेगा लो लेवल ऑफ लीफ नाइट्रोजन का तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मोर्टिलिटी देखा जाता है। लेकिन अगर हम लोग टॉप ड्रेसिंग किए, मतलब जब क्रॉप अपने स्टैंडिंग पीरियड में उस समय अगर हम लोग उसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे रहे हैं, उस समय अगर लीफ नाइट्रोजन 2% से ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से हम लोग मोर्टिलिटी रेट कम कर सकते हैं। मतलब नाइट्रोजन टॉप ड्रेसिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइस के केस में, टॉप ड्रेसिंग करना, जिससे टीलर की मोर्टिलिटी भी कम होती है और अच्छे यील्ड भी हम लोग को मिलता है राइस के केस में। यील्ड कॉन्स्ट्रेंट्स इज कल्टीवर्स ऑफ डिफरेंट मैच्योरिटी ग्रुप इन द अर्ली वैरायटी ग्रेन नंबर्स पर पेनिकल इन मीडियम ड्यूरेशन वैरायटी स्पाइक लेट स्टेरिलिटी इन लेट वैरायटी नंबर ऑफ पेनिकल पर यूनिट एरिया अंडर लो लाइट इंटेंसिटी लेट मैच्योरिटी वैरायटी सफर ड्यू टू टीलर मैच्योरिटी। ये सब टीलर मैच्योरिटीज है और ये नॉर्मल है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सबको याद करना, बट ये कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि आप इसे पूरी तरह से छोड़ सकते हैं। जैसे DAP हैज़ फाउंड सुपीरियर एज बेसल डोज टू SSP। बेसल डोज के लिए
ज्यादा माना गया है कि डीएपी ज्यादा अच्छा रहता है सिंगल सुपर फॉस्फेट से। अमोनियम पॉली फॉस्फेट अ न्यू कॉम्प्लेक्स पी फर्टिलाइजर इज सुपीरियर टू बोथ डायमोनियम फॉस्फेट और सिंगल सुपर फॉस्फेट स्पेशली इन एसिड क्ले लोम। अगर एसिड क्ले लोम है तो वहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा, वहाँ पे पी फर्टिलाइजर जो कि सुपीरियर रहता है बोथ से डीएपी और एसएसपी से, और एसएसपी से सुपीरियर डीएपी है। मतलब कि अगर जहाँ पे नॉर्मल सॉइल अगर हो रहा है तो वहाँ पे डीएपी ज़्यादा अच्छा रहता है राइस के लिए इन कंपेरिजन टू सिंगल सुपर फॉस्फेट। लेकिन अगर वहाँ अगर एसिड क्ले लोम सॉइल है तो वहाँ पे पी फर्टिलाइजर ज़्यादा सुपीरियर रहता है। और जिंक डिफिशियंसी मेजर प्रॉब्लम देखा गया है कल्टिवेटेड एंड सेलाइन सोडिक सॉइल में। तो ये नॉर्मल और नेचुरल सॉइल में अप्लाई किया जाता है ZnSO4 40 kg पर हेक्टेयर फॉर एवरी 3 क्रॉप सीजन के लिए। इन सेलाइन सोडिक सॉइल में इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ ZnSO4 1000 kg पर हेक्टेयर टू मेक अलाउंस फॉर हाई Zn फिक्सेशन के लिए, फॉलोड बाई नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ Zn आफ्टर 3 सक्सेसिव क्रॉप सीजन हैज गिवन हायर ग्रेन यील्ड। तो यहाँ पे जिंक डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम देखा गया जिसके लिए जिंक का एप्लीकेशन किया जाता है 40 केजी पर हेक्टेयर हर 3 क्रॉप सीजन के हिसाब से। लेकिन जहाँ पे सेलाइन सोडिक सॉइल होता है वहाँ पे इनिशियली एप्लीकेशन कर दिया जाता है 1000 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से जिंक का। और फिर यहाँ जिप्सन भी डाला जाता है। तो क्या क्या होता है, सबसे पहले डीएपी की बात किया कि डीएपी ज़्यादा सुपीरियर होता है जिंक डिफिशियंसी को हटाने के लिए, हम लोग जिंक का एप्लीकेशन करते हैं। उसके बाद फिर जिप्सम का एप्लीकेशन किया जाता है 6 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से सॉडिक सॉइल। यहाँ पे सॉइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, सॉइल के हिसाब से हम लोग उसको करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था सेलाइन सॉडिक सॉइल, जहाँ सेलाइन सॉडिक सॉइल मिल रहा है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में ही हम लोग ज़्यादा उसको अप्लाई कर रहे हैं जिंक को। यहाँ पे भी जैसे कि देखा गया था कि एसिड क्ले लोम सॉइल जहाँ पाया जाता है वहाँ पी फर्टिलाइजर को ज़्यादा माना जाता है। तो सॉइल और पीएच उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जिप्सम का 6 टन पर हेक्टेयर को सॉडिक सॉइल के लिए किया जाता है, इसका पीएच 9.5 से 9.7 होता है। रैपिडली बिलिंग एक्सचेंजेबल सोडियम फ्रॉम, तो ये एक्सचेंजेबल ब्रिंग्स सोडियम 70-50% इन वेरी फर्स्ट सीजन में लेते आता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ जीन मतलब 3 टन पर हेक्टेयर जीन को ग्रीन मैन्योर 6 टन पर हेक्टेयर इज इक्वली इफेक्टिव एंड रिक्लेमेबल सलाइन एल्कलाइन सॉइल रहता है। और फिर आयरन टॉक्सिटी के लिए मेजर प्रॉब्लम होता है राइस प्रोडक्टिविटी के लिए, राइट प्रोडक्शन इन हाईली एसिटिक अल्टी सॉल्स और ऑक्सी सॉल्स में भी इन एसिड सल्फेट सॉइल में वेराइटर टॉलरेंस इज द ओनली सॉल्यूशन। जैसे फाल्गुना वेराइटी एग्जिबिट सम टॉलरेंस टू द आयरन टॉक्सिसिटी, तो इसके लिए सबसे बेस्ट कौन है, फाल्गुना वेराइटी जो कि आयरन टॉक्सिसिटी के लिए सबसे अच्छा है कि ये टॉलरेंट वेराइटी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वीट कंट्रोल के लिए हम लोग जाते हैं प्रोपेनिल डाल सकते हैं, ब्यूटाक्लोर डाल सकते हैं, फ्लोरोक्लोरीन डाल सकते हैं, नाइट्रोफेन डाल सकते हैं। क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर के लिए क्या होता है, बूटिंग स्टेज। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज वाटर के लिए क्या होता है, बूटिंग स्टेज। अगर हम लोग को किसी एक इरिगेशन देना है तो कुछ स्टेज में देंगे, बूटिंग स्टेज में देंगे राइस के केस में। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर क्रिटिकल स्टेज। फिर ड्रिलिंग स्टेज आता है जो कि 0-20 days एंड मतलब कि 20 दिन के तक में लगभग ड्रिलिंग स्टेज आता है। फिर प्रिमोर्डिया ग्रोथ टू फ्लावर में जो कि 40-60 days में आता है इन ड्वार्फ राइस के केस में। एट दिस स्टेज समर्ज मतलब 5 cm ऑफ वाटर इज मस्ट, मतलब कि समर्ज है 5 cm होना चाहिए राइस उसके अंदर डूबा हुआ इस कंडीशन में, जबकि वो फ्लावरिंग का केस में आए मतलब 40-60 दिन के अंदर इस इतने केस में राइस डूबा हुआ होना चाहिए। पहले नहीं हो वो टॉलरेट रहता है, लेकिन जिस समय 1-1.5 महीना हो जाए तो 1-1.5 महीना के बाद राइस 5 cm कम से कम वाटर में डूबा हुआ रहना चाहिए। वी सेफ राइस कल्टीवेशन, पहला होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट बाय मातुशिमा के द्वारा 1967 में किया गया था वी सेफ राइस कल्टीवेशन के लिए। तो ये होता है वी सेफ राइस कल्टीवेशन। नेक नोट डिफिशियंसी यहाँ पे जैसे राइट ग्रेन परसेंटेज और ग्रेन यील्ड, तो यहाँ पे होता है कि यहाँ पे ग्रेन यील्ड कहाँ पे होता है फिर बढ़ता है। तो ये होता है मिनिमम एट द टॉप ड्रेसिंग एट नेक नोट डिफरेंशियल स्टेज अबाउट 33 days बिफोर हेडिंग आफ्टर हैवी एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन एट 5 days इंटरवल एट सक्सेसिव ग्रोथ स्टेज अ कर्व बिटवीन परसेंटेज ऑफ राइपेंड ग्रेन और ग्रेन यील्ड पर हिल्स वी सेफ लाइन इज ऑप्टेन, वी सेफ लाइन ऑप्टेन हो जाता है। फिर डेपोग मेथड, डेपोग मेथड यहाँ पे कुछ मेथड है जो कि है डेपोग मेथड ट्रांसप्लांटिंग और हाइब्रिड राइस। यहाँ पे जैसे डेपोग मेथड है ऑफ राइस कल्टीवेशन,
prevalent in Philippines and Japan में होता है. In this matter, seedling become ready for transplanting on 12th days. 12वां दिन में seedling ready हो जाता है transplanting के लिए. Rate of nursery sprouted seed मतलब 1.5 kg per hectare of 50 times of the test weight on the wooden plank tray. मतलब ये सब कहाँ पे इसको किया जाता है, जैसे ये किया जाता है wooden plank, कुछ उडेन एस्टर का प्लैंक रहेगा या फिर तो कॉन्क्रीट रहता है या फिर ट्रे रहे या सीड बेड रहे कवर्डेड विद पॉलीथीन सीट रहे, तो ऐसे केस में 12 दिन में हम लोग सीडलिंग को रेडी कर सकते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए. सीडलिंग फ्रॉम 1 meter square इज सफिशियंट फॉर 200 meter square फील्ड, मतलब कि 1 meter square सीडलिंग बहुत ही सफिशियंट रहता है 200 meter square के लिए आराम से. और सीड रेट 2.5 times higher than the other method. Seed rate होता है 2.5 times higher हो जाता है other method से. Crop flowers 4 days early when rice is transplanted by the teas. मतलब crop का flowering stage जैसे 40 से 60 days में आता था, तो ये 4 दिन पहले हो जाता है crop का flowering days अगर Depok method से किया जाता है. Depok method से ये होता है कि पहले तो वो transplanting के लिए जो वो ready भी हो जाता है बहुत जल्दी 12 day में हो जाता है और plus वो कम जगह भी लेता है, और तीसरा जो होता है कि फ्लावर जो होता है 4 दिन पहले हो जाता है. ट्रांसप्लांटिंग मतलब आइडियल एज ऑफ ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है, सीडलिंग हैविंग 4 लीव्स. जब कोई भी सीडलिंग के 4 लीव्स आ जाते हैं, मे बी 3 लीव्स बट इन नो केस 5 लीव, तब उनको सीडलिंग के लिए ट्रांसप्लांट कर लिया जाता है. मतलब कि 5 लीव्स से पहले किया जाता है, 5 लीव्स आ जाए तो वो ठीक नहीं रहता है, 3 और 4 लीव्स में जब रहे तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है. सीडलिंग ऑफ 20 to 30 days इन खरीफ, स्पेसिंग 20 into 15 centimeter और 30 to 35 days old in Ravi, तो spacing उसको 15 centimeter 15 centimeter दिया जाता है. फिर hybrid rice का केस में क्या होता है, in the last decade of 1970 hybrid rice was first developed by China. तो hybrid rice सबसे develop किया गया था China में 1970, जो last decade of 1970 मतलब last में 1970 के hybrid rice develop किया गया था China के by using cytoplasmic male sterility of fertility restoration gene system के द्वारा. After China in India 1994 में, मतलब कि 1970 के बाद Act 1994 में first set of 5 hybrid rice variety has been released from commercial cultivation के लिए. Out of these 5 hybrid 4 varieties APRHI, APRH 2 आंध्रा, KRH1 कर्नाटका से, MGR1 तमिलनाडु से have been released by the आंध्र प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु after 2 years. Another 3 hybrid, जो ये 3 hybrid थे has been released by the West Bengal and आंध्र प्रदेश respectively. और PHB171 is the only hybrid rice variety which is released by the private organization. जितने भी वो सब जितनी वेराइटी आज तक रिलीज हुआ है वो सब हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो या स्टेट सीड कॉर्पोरेशन हो, इन सब के द्वारा या कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा, ये सब की रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी द्वारा. बट PHB71 जो एक पहला वेराइटी है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया था. इसी के साथ राइस फिनिश होता है. ये काफ़ी, जैसे 8 chapter काफ़ी बड़ा है तो ये मैं टुकड़े टुकड़े में बताऊंगा, ये पूरे आपका कल्टीवेट कर दूंगा. जैसे इसमें राइस में सिंगल बड़ा था तो इसमें सिंगल वीडियो बनाया, उसी के हिसाब से कुछ छोटा रहेगा तो 2-3 एक में करके बना दूंगा. तो इसी के साथ थैंक यू.